दिल्ली के अलीपुर थाना के खेरा कला में शनिवार की देर रात एक घर में कोयले की अंगीठी से निकलने वाले धुएं से दम घुटने से हवेली खड़गपुर प्रखंड के सामपुर सहायक थाना क्षेत्र के अग्रहण पंचायत के मांझ गांव के निवासी स्वर्गीय वकील सिंह का 40 वर्षीय राकेश उर्फ दीनानाथ उर्फ दिनकर, उनकी 38 वर्षीय पत्नी ललिता और उनके 8 वर्षीय बच्चे पीयूष और 7 वर्षीय सनी की मौत हो गई। मौत की खबर के बाद मृतक के पैतृक गाँव मांझगाय में परिजन और ग्रामीणों में मातम पसर गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की अंगीठी से निकलने वाले धुएं से दम घुटने से मौत की खबरें के बाद मृतक के वृद्ध विधवा मां और भाई झाबो सिंह जो जन्मांध हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक दीनानाथ उर्फ दिनकर परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। मृतक के चचेरा भाई राम गुलाम सिंह ने बताया कि ठंड के मौसम में कमरा के अंदर कोयले की अंगीठी से निकलने वाले धुएं से दम घुटने से कमरे में सो रहे 4 व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार की सुबह घटना की खबर मिली, उसके बाद से परिवार में मातम पसर गया। गांव के लोग एक ही दिन परिवार के 4 सदस्य की मौत से गमजदा हैं। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को चारों को दाह संस्कार दिल्ली में ही, अन्य परिजन जो दिल्ली में रह थे उन्होंने बताया कि मृतक दिल्ली में वाहन चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था और मांझगाय के घर पर रह रही वृद्ध विधवा माँ और सुरदास भाई झाबो सिंह की देखभाल करता था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उनके परिजन, उनकी बातों को आप सुनिए। किस प्रकार से घटना हुआ? घटना हम लोग को तो मालूम हुई कि शनिवार के रात में वो दोनों बच्चा और पति पत्नी सोया हुआ था और सुबह पता चला कि चारों देहांत हो गया है। उसके बाद परिवार का लोग था दूर दूर में, कोई मुंगेर कोई भागलपुर सब पहुंचा, तो पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई ताला तोड़ के फिर ले गया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करके। कल लास्ट शाम में जला पोस्टमार्टम के बाद पूरा परिवार, वही एक कमाऊ लड़का था घर में। दिल्ली में क्या करते थे? वो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था वो। पूरा परिवार उसका उसी जगह पे रहता था? हाँ, पूरा परिवार, बाल बच्चा, 2 लड़का था, एक 8 साल का, एक 5 साल का, पत्नी और अपने रहता था वहीं। आपका नाम? मेरा नाम राम गुलाम सिंह हुआ, उसका चचेरा भाई है यहाँ।